राशि के भंडारा में बहुत बड़ा हादसा, अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत। भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग, रात के वक्त हुआ हादसा। वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे, 10 बच्चों की गई जान। आग लगने पर 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हादसे पर उठ रहे हैं बहुत सारे सवाल। शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में आग लगने की आशंका। आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, किसानों के साथ दिन भर कार्यक्रम। 74 लाख किसानों के घर जाएंगी बीजेपी, 48,000 गांवों में चलेगा बीजेपी का एक मुट्ठी चावल अभियान। पहले बर्दवान में राधा गोविंद मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा, बाद में घर घर जाकर जमा करेंगे एक मुट्ठी चावल। किसानों के घर से जमा चावल से खिचड़ी बनाएगी बीजेपी, महीने के आखिर में अमित शाह के दौरे के वक्त आयोजित होगा कार्यक्रम। बर्दवान में 3 बजे के बाद होगा जेपी नड्डा का रोड शो। क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन रोड तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। बर्दवान में जेपी नड्डा के रोड शो की तैयारी के दौरान हादसा, 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलस गया एक शख्स। बर्दवान में आज 40,000 कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का उद्घाटन भी करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी ने कसा तंज, कहा दिल्ली के किसानों को क्यों नहीं देखती बीजेपी। वो अपने किसानों को देख रहे हैं क्या, क्या करेंगे वो, दिल्ली को देख रहे हैं क्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने फेंका लव जिहाद कानून का दाव, नरोत्तम मिश्रा बोले सरकार बनी तो बनाएंगे कानून। स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में लव जिहाद या गौ हत्या के खिलाफ नहीं बनेगा कोई कानून। लगातार टीएमसी से भंग हो रहा है लोगों का मुंह। बांकुरा में बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के 1,000 कार्यकर्ता। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2021 का किया उद्घाटन, वीडियो कॉल से किया उद्घाटन। शाहरुख ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर सीएम ममता बनर्जी को याद किया, कहा मिस कर रहा हूं आपको गले लगाना। निर्देशक अनुभव सिन्हा भी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर बतौर अतिथि समारोह में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 2 दिन के लिए विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की, 27 जनवरी से विशेष सत्र का आयोजन। ममता सरकार 2 दिवसीय विशेष सत्र में मौजूदा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, कांग्रेस और लेफ्ट से मांगा सहयोग। बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं, कैबिनेट विस्तार के लिए नीतीश को बीजेपी के हरी झंडी का इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रवासी भारतीय दिवस को करेंगे संबोधित, सुबह 10:30 बजे वर्चुअल आयोजन से जुड़ेंगे प्रवासी। देश में अगले सप्ताह शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण का पहला चरण, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सही वक्त पर राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर, वैक्सीन की खेप पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना से सीधा संपर्क। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीजीसीए ने एयरपोर्ट को जारी किए गाइडलाइंस, तमाम जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए बर्फीले पैकेज का लिया जाएगा सहारा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, केंद्र सरकार उठाए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का खर्च। लंदन में सैलून जाकर गिरी प्रियंका चोपड़ा, भरना पड़ सकता है जुर्माना, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। प्रियंका चोपड़ा का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोपों से इनकार, लंदन में सैलून, कैटू पार्लर, मसाज पार्लर जाने की अभी इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार, बीजेपी पर घर चुन चुनकर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगाया। सीएम योगी और बीजेपी पर आरोपों के दौरान अखिलेश यादव ने दिया विवादित बयान, कहा अपनी सरकार बनने पर मैं भी इनके घरों पर चलवाऊंगा बुलडोजर। चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। फिर बेनती जा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक,
तीनों कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी आज करेंगे आपस में बैठक। कानून में संशोधन के लिए तैयार है सरकार, अब 15 जनवरी को फिर से होगी माथा पच्ची। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान, 13 जनवरी को जलाएंगे बिल की कॉपी। हमने भी साफ कर दिया कि इतने घर वापसी नहीं जाएंगे, कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, हमने भी कह दिया। किसानों के साथ बातचीत से पहले अमित शाह के घर पहुंचे कृषि मंत्री और रेल मंत्री, करीब एक घंटे तक चली बैठक। हरियाणा के सीएम ने भी गृह मंत्री से की मुलाकात, कहा किसानों के साथ जल्द बनेगी बात। बहुत से प्रावधान है उनके ऊपर जो बातचीत चल रही है, तो कुछ ना कुछ अदर बदर संशोधन करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन सर प्रदर्शनकारी किसानों को मिला गायकों और अभिनेता अभिनेत्रियों का साथ, सिंघू बॉर्डर पहुंचे हरभजन मान, स्वरा भास्कर समेत कई कलाकार। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र को घेरा, कहा किसानों की चेतावनी अनसुनी कर रही है सरकार। नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा लखा सिंह ने की सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश, कृषि मंत्री बोले अच्छी उम्मीद। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। किसान आंदोलन का 44वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी। गाजीपुर में आंदोलन स्तर पर दिखाई दी डॉक्टरों की टीम, किसानों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चल रही है जांच। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। कृषि कानूनों के खिलाफ झज्जर में विरोध के दिखे तरह तरह के रंग, एक किसान ने ट्रैक्टर से दिखाए करतब। सर्दी के सितम के बीच कुछ किसानों ने अर्थनग्न होकर प्रदर्शन किया, शर्ट उतार कर ट्रैक्टर की सवारी की। कोरोना के बीच देश में बर्ड फ्लू का भी संकट, उत्तर भारत में पोल्ट्री बिजनेस पर 50% का असर पड़ा। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, एक पार्क में मृत पाए गए कौओं की कराई जा रही है जांच। ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम तैयार। चंडीगढ़ में मुर्गे और अंडे की बिक्री 30% घटी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ करेंगी बैठक, मीटिंग में कांग्रेस दफ्तर से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे होगी सोनिया गांधी की बैठक, मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर भी बनेगी रणनीति। दिल्ली में आज कांग्रेस की हनुमान चालीसा राजनीति, हनुमान मंदिर तोड़े जाने का विरोध करेगी कांग्रेस। कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में मंदिर तोड़ने का सुनाया फरमान, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ मंदिर स्थल पर कार्यकर्ता करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार करने को तैयार, दोनों एक दूसरे पर ढिलाई का लगा रहे आरोप। अंबाला में किसानों का धरना जारी, तैयार की 26 जनवरी को होने वाली मार्च की रणनीति। हरियाणा के गोहाना पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदर्शन के दौरान मृत किसान के परिजनों से मुलाकात की। भुवनेश्वर में 50% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल, लॉकडाउन के वक्त से थे बंद। अकोला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 गायों से भरा कंटेनर पकड़ा, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के खजूरीखांस इलाके की एक मस्जिद में मिला 10 साल के बच्चे का शव, कल शाम से घर से लापता था। मुंबई की घाटकों पर पुलिस ने 2 स्टंटबाज युवकों को किया गिरफ्तार, बाइक पर खतरनाक स्टंट दिखा रहे थे। बाइक पर स्टंट दिखाते हुए गिर गया था एक स्टंटबाज, वीडियो वायरल होने पर तफ्तीश में जुटी पुलिस।
बल्लारी में एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे। हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा, पकड़े गए कारोबारी ने फलों से हेल्दी शराब बनाने की अनोखी दलील दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। समस्तीपुर में 19,000 लोगों को पहले चरण में लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका, 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों और 3800 अन्य लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल, तीसरे चरण का ट्रायल नहीं होने का आरोप। जम्मू में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। जम्मू में अब हाईवे पर सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर, निगरानी कक्ष में बैठकर देखी जा रही है हाईवे की गतिविधियां। 24 परगना के टीटागढ़ में जूट मिल में लगी आग, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा, मुठभेड़ में एक हुआ घायल, चावल कारोबारी से 13 लाख की लूट का मामला। बरेली में रेप पीड़ित गर्भवती लड़की की अस्पताल में मौत, नाबालिग से रेप के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी पुलिस। औरंगाबाद में 71 फर्जी किसानों पर केस दर्ज, जालसाजी कर करीब 1,10,00,000 का लोन हड़प लिया। यूपी के शाजापुर में 12 साल की मासूम से रेप, दबोचा गया आरोपी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 8 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने 58 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में कोहरे का कोहराम, ठंड ने भी ढाया कहर, 7 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का प्रकोप, हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। बर्फ की मोटी चादर से ढके उत्तराखंड के पहाड़, मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा है तापमान। उत्तराखंड के चौपता बद्रीनाथ मोटरमार्ग पर जमी बर्फ की मोटी चादर, स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू श्रीनगर हाईवे से हटाई जा रही बर्फ, छठे दिन शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं करेंगे शिरकत, 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो अपने सहयोगी के शपथ ग्रहण समारोह से करेंगे किनारे, से पहले डेमोक्रेट नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने ऐसा किया था। गुरुवार को जारी किए गए वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा, मेरा राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जल्द समाप्त हो जाएगा और नया प्रशासन पदभार संभाल लेगा। 20 जनवरी को ही भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की भी लेंगी शपथ। भारत में रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर समझाऊंगा, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की हिंसा से खराब हो रही मेरी पार्टी की छवि। चौतरफा आलोचना और महाभियोग के खतरे के बीच बैकफुट पर ट्रंप, बोले हिंसा की नहीं है कोई जगह, बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार। कैपिटल हिल्स में हिंसा के मामले में अब तक कुल 68 लोग गिरफ्तार, वॉशिंगटन डीसी के बाहर से आए थे ज्यादातर लोग। कैपिटल हिल्स हिंसा को लेकर बाइडेन ने ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार, समर्थकों को भड़काने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले माफी मांग सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने किया दावा। कैपिटल हिल हिंसा के बाद ट्रंप के कई सहयोगियों का इस्तीफा, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट सचिव ने छोड़ी कुर्सी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।